हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज आपको सिखाऊंगा नोबिता प्लस सिजुका प्लस डोरीमोन फोटो एडिटिंग। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अगर आपको भी सीखना कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। वीडियो का थोड़ा सा पार्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपनी फोटो को ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने ऐड कर रखा है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन में, एंड यहां पर मैं आपको दूंगा नोबिता और सिजुका का फेस। तो आपको दोनों फेस को ऐड कर देना है, एंड इसके बाद आपको नोबिता फेस को यहां पर अपने बॉय वाले फेस पे अपने फोटो पे आपको लगा देना है। एंड इसके बाद आपको जो सिजुका वाली पीएनजी उसको लेना है, एंड आपको गर्ल के फेस पे लगा देना है। इतना होने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको अगेन ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, एंड आपको दूंगा विंग्स की पीएनजी। तो इसको आपको ऐड कर देना है, साइज को पहले बड़ा करना है, एंड इस तरफ आपको ब्लैक वाले पिंक्स को लगाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम पहले इसको हाफ क्रॉप कर लेंगे, कुछ इतना आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर आपको नोबिता के इस तरफ लगा देना है। इसके बाद आपको इरेज वाले आइकन पे टैप करना है, एंड पहले इतना पार्ट आपको इरेज कर देना है। इसके बाद आपको रिस्टोर वाली ब्रश पे क्लिक कर देना है, और आपको बैकग्राउंड में पीछे की तरफ ब्रश को चला देना है। अपने कपड़ों के ऊपर आपको ब्रश को नहीं चलाना है। इतना होने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। आपको जो ब्लैक बोर्ड कॉर्नर दिख रहा है कहीं भी, आपको क्लिक कर देना है। अगेन आपको ऐड फोटो में चले जाना है, और विंग्स की पीएनजी को दोबारा से आपको ऐड कर देना है। क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाके व्हाइट वाला आपको विंग्स को निकाल देना है, आप देख सकते हो क्रॉप हो गया। इसके बाद आपको सिजुका के इस तरफ लगा देना है। इसके बाद आपको इरेज वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, हार्डनेस को 100 करना है, और कुछ इतना पार्ट आपको इरेज कर देना है। अब इसके बाद आपको रिस्टोर वाली ब्रश पे क्लिक करके आपको बैकग्राउंड में ब्रश को चला देना है। अगर आपको सारी पीएनजी चाहिए तो सारी पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम पे ये वाला पिक्सआर्ट है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इतना होने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। अब आपको अगेन ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब आपको मैं एक और पीएनजी दूंगा, तो इन दो पीएनजी को आपको ऐड करना है। जो डेविल वाली पीएनजी है आपको नोबिता के हेड पे लगा देना है, और जो हार्ट वाली पीएनजी है आपको देख सकते हो सिजुका के हेड पे लगा देना है। तो हमारा इतना यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगेन आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, एंड आपको दो स्टीकर दूंगा मैं, आप देख सकते हो ये वाले हैं। तो पहले स्टिकर को आपको जो यहाँ पर आपको लगा देना है सिजुका के माइंड की तरफ, आप देख सकते हो हेड की तरफ यहाँ पर। इसके बाद आपको जो दूसरी वाली पीएनजी नोबिता वाली, इसको आपको लेना है, फ्लिप वाले ऑप्शन पे जाके फ्लिप कर देना थर्ड से, और ये इस तरफ हो जाएगा, एंड ये नोबिता के हेड की तरफ आपको लगा देना है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। अब आपको अगेन ऐड फोटो में चले जाना है, एंड यहाँ से आपको मैं दो पीएनजी और दूंगा जो कि डोरीमोन की होंगी। तो डोरीमोन वाली पीएनजी को पहली वाली पीएनजी को इस तरफ करेंगे, और जो सेकंड वाली पीएनजी इसको आपको नीचे की तरफ लगा देना है। इसके बाद जो ये वाली फर्स्ट वाली पीएनजी है इसको आपको यहाँ पर लगाना है। अब आपको यहाँ से फ्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके थर्ड से फ्लिप कर देना है, एंड इस तरफ आपको इसका फेस कर देना है। इतना होने के बाद आपको राइट वाले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो आपकी फोटो तैयार होती है, एंड आपको इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो इफेक्ट के लिए आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है, एफएक्स में चले जाना है। एफएक्स में जाओगे तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक ये वाला ऑप्शन है, नाम आप यहाँ से पढ़ सकते हो, एंड इस पर क्लिक कर देना है। एंड जो इसका फेड है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने कुछ इतना परसेंट फेड को रखा है, और राइट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी फोटो तैयार है। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। अगर आपको नोबिता फेस की और पीएनजी वीडियो चाहिए तो और वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, और भी मैं नेक्स्ट आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस चैनल पर बने रहना है और सब्सक्राइब जरूर करे रहना है।